तोपों ने गरजना हालांकि बंद कर दिया है, पर जो जख्म मिले हैं उन्हें भरना बाकी है। ऐसे में पूरा देश हाथ जोड़े खड़ा है, ये लोग भी जो खाली कैनवसों को भरे जा रहे हैं। ये प्रदर्शनी कुछ कलाकारों ने कारगिल के जवानों की क्षतिपूर्ति के लिए लगाई है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे लिए रोना और तुम्हारे कर्म को बस कुछ आंसुओं में डुबोना। मैं चाहता हूँ अपनी नींद और अपने जागने में तुम्हारे साथ होना, जहाँ कहीं तुम हो वो प्रहरी। We all need to get together to reach out and keep this memory alive and not wasted. ये प्रदर्शनी एक निजी परिसर में आयोजित की गई है और सिर्फ सूचना पाकर ही यहाँ लोग उमड़े पड़े हैं। अंदर बनाए गए अस्थायी गैलरी में भी यही नजारा है। लोगों की नजरें इन चित्रों में एक खास भावना ढूंढ रही है और उद्देश्य भी तो यही है। जो भी इसको लेके जाएगा नेचुरली वो एक डोनेशन टाइप से वो जिस आर्टिस्ट की कला का जो पेमेंट हो रही है वो उसको फैमिली वेलफेयर में, आर्मी वेलफेयर में दे सकता है। ये पेंटिंग्स निहायत ही कम कीमतों पर उपलब्ध है। जब हर पेशे से कुछ न कुछ सहायता के रूप में मिल रहा है तो कलाकार कैसे पीछे रहते। ये तो संवेदना के वाहक है और परतों में दबे जज्बे को सतह पर ले आते हैं। I lost my nephew, Captain Shuman Das Gupta. Every day our brave sons are doing something and protecting our country. I'm giving their life for that. तो इस कारण मैंने सोचा जो हम कितने छोटे क्यों ना हैं लेकिन एक कदम तो आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। जैसे हमारे वो देश रक्षा कर रहे हैं, जैसे हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारा फर्ज बनता है उनके लिए कुछ करने के लिए। 25 जुलाई तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। यहाँ कुछ ऐसे कैनवस पड़े हैं जो आपके शौक और फर्ज दोनों को पूरा करेंगे।